हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमी में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट कैप्सूल की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऑपरेशन नमस्ते जो कि COVID-19 से निपटने के लिए शुरू किया गया है, किसकी पहल है? ए भारतीय थल सेना, बी परिवार तथा स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, सी संस्कृति तथा पर्यटन मंत्रालय या डी गृह मंत्रालय। तो इसका उत्तर है ए भारतीय थल सेना। भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है और इसके मुख्य उद्देश्य हैं कि 1.3 मिलियन जो बल है उसे कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचाना और सरकार की अधिक से अधिक सहायता करना। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी कॉरपोरेट मंत्रालय या डी गृह मंत्रालय। तो इसका उत्तर है सी कॉरपोरेट मंत्रालय। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ग्रीन चैनल में किए गए बदलावों को शामिल करने के उद्देश्य से फॉर्म एक से जुड़े मार्गदर्शन नोटों में संशोधन किया है। तो ग्रीन चैनल वो चैनल होता है जिसमें ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कार्य होता है, जिससे कि काम में तेजी आती है। जान लेते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में। यह एक अर्ध न्यायिक और सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अंतर्गत 2009 में की गई थी और इसका कार्य है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित कर ग्राहकों तथा व्यापारियों के हितों की रक्षा करना। अगला प्रश्न देखते हैं, गृह मंत्रालय की पहल स्वयं संबंधित है? ए राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म, बी केवल शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सी स्वयं सहायता समूहों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डी एमएसएमई के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है राष्ट्रीय शिक्षा के लिए, या MOOC प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन निशुल्क ई शिक्षण प्लेटफॉर्म है। इसमें विद्यालयी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, स्नातक पूर्व शिक्षा, स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग और ये सारे पाठ्यक्रम इसमें उपलब्ध हैं और इसका उद्देश्य है कि सब तक पहुंच हो, समानता हो और गुणवत्ता हासिल हो सभी को। अगला प्रश्न, कॉन्टेक हाल ही में चर्चा में है क्या है? COVID-19 संबंधित अपडेट के लिए गृह मंत्रालय का एक पोर्टल, COVID-19 संबंधित अपडेट के लिए संचार मंत्रालय का पोर्टल, दिव्यांग जनों हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का पोर्टल, या COVID-19 से निपटने के लिए स्वास्थ्य तथा परिवार मंत्रालय मंत्रालय की पहल। तो इसका उत्तर है डी। ये परियोजना कॉन्टेक्ट COVID-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर, इसका फुल फॉर्म है COVID-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर। इसकी परिकल्पना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने की है और इसकी स्थापना एम्स नई दिल्ली यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ये इसको कार्यान्वित कर रहा है। इसका लक्ष्य है कि देश भर के सभी डॉक्टरों को साथ में जोड़ना ताकि एक साथ एक प्रोटोकॉल पर चर्चा हो सके और सर्वोत्तम उपचार प्रदान किया जा सके। अगला प्रश्न है, दापोरिजो पुल किस राज्य में स्थित है? तो ये दापोरिजो पुल ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मिजोरम या डी असम। तो ये ए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में ये क्षतिग्रस्त पुल हो गया था तो इस पर जो सीमा सड़क संगठन है वो इसका पुनर्निर्माण कर रहा है तो इसलिए ये चर्चा में था। आज के लिए इतने प्रश्न हैं। चलिए देख लेते हैं कल हमने कौन कौन से प्रश्न डिस्कस किए थे। पहला, IL-38 हाल ही में चर्चा में है क्या है? तो इसका उत्तर था लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट। कल का दूसरा प्रश्न था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में की गई थी? तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। हाल ही में कहाँ COVID-19 से संक्रमित लोगों तक दवाएं तथा खाना पहुंचाने के लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट का परीक्षण किया गया? तो इसका उत्तर है सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर।
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 75 आधार बिंदु तथा सीआरआर में 100 आधार बिंदु की कटौती की है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इससे लोगों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध होगा। अर्रिनम निम्न में से किस जनजाति की महामारी के समय एक परंपरागत पृथक्करण, पृथक्करण नहीं है, एकांतवास होगा की पद्धति है, क्योंकि इस ज्यादा उपयुक्त शब्द होगा एकांतवास होगा। तो ये गालो ट्राइब जो कि अरुणाचल प्रदेश की, उसकी एक पद्धति है। कल का अंतिम प्रश्न था, हाल ही में बेनी प्रसाद वर्मा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये एक राजनीतिज्ञ थे, राजनीति से जुड़े हुए थे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं कल कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।